ओके गाइस, सो हम लोग निकल चुके हैं घर के तरफ। मतलब बार बार मैं घर क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, जो भी हो तो मैं निकल चुके हैं हम लोग अभी शांतिनिकेतन की तरफ। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी शांतिनिकेतन, एंड थोड़ा भूख भी लग रहा है। अगर रास्ता में कुछ अच्छा खाने लायक मिलता है वह कुछ, तो वी विल वेट एंड हैव फूड ओवर देयर। क्या मजा आ रहा है बॉस, बिलीव यू नॉट, मुझे तो माउंटेन्स वाली वाइब्स आ रही है। लग रहा है माउंटेन्स पे बाइक चला रहा हूँ, बिकॉज ये कर्व्स जो है माउंटेन पे भी सेम तरीके से कर्व्स होता है। मुझे तो वही लग रहा है कि माउंटेन्स पे कहीं मैं बाइक नहीं चला रहा, बहुत ही सही लग रहा है। माने बोलते ना बोलते कि अच्छा रास्ता है, खराब रास्ता देख लो, बाप रे बाप, क्या कहूँ मैं। कितना भी मैं कह रहा था कि इतना अच्छा रास्ता ये वो, पर नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, देख लो और रास्ते का कंडीशन, बाप रे बाप, हालत खराब हो जा रहा है। मेरे बाइक में पेट्रोल भी खत्म होने चला है, ऑलमोस्ट नील नील हो चुका है यार, हो चुका है। पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ है क्या है, मुझे लगता था यहाँ कोई पेट्रोल पंप है, मतलब आज लगने वाली है जोरों की। ओह माय गॉड, अब क्या होगा ब्रो, ये क्या सीन्स है ब्रो। ए गाय माता, मुझे मारना मत ठीक है, बाकी आप जो करना है कीजिए, नो प्रॉब्लम, बस मुझे मत मारना। सो गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, दैट इज सोनार जुड़ी इन बोलपुर शांति निकेतन। एंड यहाँ आज हाट लगा हुआ है, कुछ मेला लगता है आज यहाँ पे, संडे एंड सैटरडे लगता था, संडे है तो वैसे ही लगा हुआ है। तो बस सामने हम लोग का होटल है जो हम लोग ने देखा है, बुक नहीं किया, सिर्फ देख के रखा है। तो वी विल गो एंड इफ पॉसिबल वी विल बुक इट राइट देयर, अगर क्या बात होता देखते हैं फिर बुक भी कर देंगे। सो लेट्स गो ब्रदर, मज़ा आएगा मज़ा। उफ कितना भीड़ है, पर हम लोग आते रहते हैं, ये भीड़ शायद खाली ना हो जाए, बिकॉज हम लोग को आने में अभी जाएंगे फ्रेश होंगे थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, खाना पीना भी करना है, तो ये ख़त्म ना हो जाए, भीड़ तो बहुत है। तो चलते हैं होटल में, हम देखते हैं। ओके गाइस, सो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में, एंड रूम भी ले लिया, अकेले पहुंचा थी सर, अकेले लेके नहीं पहुंचे। हाँ मतलब तीन दोस्त हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी जो मेला लगा हुआ है बाहर जो संडे को लगता है सिर्फ, वो ख़त्म होने के टाइम हो चुका है, ख़त्म होने का टाइम हो चुका है। तो अगर अभी नहीं गया तो बाद में पता नहीं कब मेला में जाके घूम पाऊँगा। सो पहले मेला में चलते हैं और उसके बाद आपको रूम टूर भी दे दूँगा, सब दे दूँगा, सब बता रहा हूँ डिटेल्स में। पहले मेला में चलते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन लेट एंड अब ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। सो लेट्स गो। अब देख सकते हैं मेला ऑलरेडी पैकअप होना शुरू हो गया, सब अपना बुझा रहे वापस जाने के लिए, बिकॉज यहाँ कोई लाइटिंग वाइटिंग कुछ है नहीं, अंधेरा हो जाता है, दिन ही दिन जो रहता है। सो देखते हैं कुछ क्या है घूमने लायक क्या है, लेट्स एंजॉय ब्रो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग वगैरह प्ले हो रहे हैं, फोक सॉन्ग्स कहते हैं ना, फोक सॉन्ग बोल रहे हैं, काइंड ऑफ फोक सॉन्ग्स वगैरह प्ले हो रहे हैं। सो गाइज, अभी हम लोग जिस होटल में ठहरे उसी के रेस्टोरेंट में खाने आए हैं, बिकॉज बहुत जोर का भूख लग रहा था, तो सोचा थोड़ा कुछ खा लेते हैं, बिकॉज हम लोग ने सही सुबह खाया है, उसके बाद लिटरली कुछ नहीं खाया, तो अभी थोड़ा कुछ खा लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। एंड आप देख सकते हैं होटल बहुत ही मतलब सुंदर है, काइंड ऑफ विंटेज टाइप फीलिंग, मिट्टी का ये सब शायद वो आप देख सकते हो, अच्छा है। तो वैसे अभी सीन सिंपल है, अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, अभी बहुत ही क्रेजी सीन्स होने वाला है। साउंड सुनाई दे रहा है ना भाई, तभी क्योंकि वहाँ थोड़ा बजा दे रहा है जो भी हो, तो बहुत ही क्रेजी सीन्स होने वाला है। अभी यहाँ पे हम कैंप फायर करने वाले हैं, एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सिट एंड एंजॉय विद मी विद द वाइब्स, 1 2 3 एंड लेट्स गो। हम लोग अपने
ये जगह टाइम है। अच्छा जो भी हो, बट मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा, लाइक कुछ एक्सपीरियंस लाइक फर्स्ट टाइम। हम लोग जब लाइक बहुत साल पहले घर पे आए थे एंड तब से हम लोग का मन था यहाँ पे कभी आके स्टे करना एंड काइंड ऑफ प्लान करना, रात में भी रहना हल्की ठंडी में, लाइक आई गेस 2 years पहले। हाँ, तीन चार साल पहले हम लोग आए थे, तब प्लान किया था। फर्स्ट राइड था लॉन्ग टुगेदर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ राइड पे बाइक के लिए, वो भी 2 दिन के लिए, एंड ये कुछ फर्स्ट टाइम, बहुत कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम कहाँ रंगों साए जहाँ खो गए, हम कहाँ रंगों साए जहाँ feels, but this is something different, the vibes are different, everything is, we are enjoying our pleasant time over here and that's everything for us, because itna kaam wagera, headache wagera se aake outside everything thoda time spend karna feels good, and this is what we are living at the present moment, we are just enjoying the moment, that's all I can say right now. So, अभी हम लोग बहुत हिम्मत जुटा के, मतलब हम नहीं, मैं हिम्मत जुटा के नहीं, इन दोनों का हिम्मत नहीं, इन दोनों का हिम्मत है, मैं वो कह रहा हूँ, मैं अकेला हिम्मत जुटा के जा रहा हूँ अभी। हाँ, देख लीजिए आप, कुछ दिख नहीं रहा, इधर अंधेरा उधर अंधेरा, क्योंकि पूरा एक घना जंगल है और हम तीन बंदे निकले हैं जंगल को एक्सप्लोर करने, ठीक है। अब देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ नहीं है, सामने रोड है और कुछ दिख रहा है नहीं। जंगल अभी वहां से कार आ रहा है, इसमें डर गया, मैं बोला क्या चीज का साउंड आ रहा है, सामने रोड है तो उसमें कार जा रहा था, तो वही मैं सोचू क्या चीज का मतलब साउंड आ रहा है, पर जो भी हो पूरा चारों तरफ ना एकदम अंधेरा और अंधेरा है, मतलब अकेले यहाँ से जाना मतलब नामुमकिन है मेरे लिए, तो एटलीस्ट नामुमकिन है, कब क्या हो जाए पैंट गीला हो जाएगा। अपना होटल भी दिखा दे कितना हम लोग का होटल, वो रहा कितना अंदर में, आपको दिख रहा है वो लाइट जो जल रहा है, वो रहा हम लोग का होटल, मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, आई मीन फटी पड़ी है लिटरली, जो दिखेंगे मिलकर दिखेंगे, सबको दिखा के दिखेंगे, अगर कुछ दिखता है तो बढ़िया, नहीं दिखता तो भी बढ़िया, ना ना ठीक है, हम नहीं तुम, अच्छा ठीक है तू दे, मेरा मिलता है भाई, अपना चेहरा दिखा दे, कैसा है तुम्हारा, कैसा हालत है, थोड़ा डरा हुआ हूँ, ठीक है। मधु तेरा ना भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा, हम तो भाग रहे हैं कोई दरकार नहीं, रोहित भाग गया, मधुकर पे है वो भी, कब भाग जाएंगे कोई पता नहीं, साथ में है जो भी हो, बिलीव मी गाइस यहाँ पे बहुत, मैंने अकेले आना इम्पॉसिबल है, और ऐसे तो उसके साथ और आना ही नहीं चाहिए, साला मैंने डरा देता अपने, इन लोग को कहो तो अभी चल जाएंगे बहुत दूर, पर मेरे से नहीं हो रहा, सो मैं भाई वापस चलता हूँ होटल की तरफ, दरकार नहीं है कोई रिस्क लेने का, कब क्या हो कुछ पता नहीं, बिकॉज इतना अंधेरा, इतना मैंने डार्कनेस इतना है ना, मतलब क्या बोलूँ, कुछ दिख नहीं रहा, आपका सामने कौन खड़ा, आपको इतना नहीं दिखेगा पता, सो इट्स इम्पॉसिबल, सो वी आर गोइंग बैक टू अवर होटल, दैट इज समथिंग बेटर, That is a better option actually. Hotel वापस चलते हैं, कोई रिक्स लेके कोई लाभ नहीं है। Okay guys, so breakfast बोल रहा हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, डिनर वगैरह सब हो चुका है एंड अभी बस बहुत जोर का नींद आ रहा है, तो रूम में जाते हैं एंड सो जाते हैं एंड आपसे मिलते हैं कल, एंड हाँ कल वापस मिलते हैं आपसे, एंड कल अच्छे से वीडियो होगा, कल सब कुछ होगा, आज से पूरा टायरिंग डे गया तो थोड़ा कम बेसी जो हुआ हुआ, एंड कल अच्छे से सब कुछ होगा, सो विल मीट यू टुमारो, टाटा बाय बाय।